मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया ओपन 2023 के दूसरे दिन की। तो आज के दिन भी राउंड ऑफ 32 ही खेलते हुए हमें नजर आए भारतीय खिलाड़ी और बाकी और शटलर्स, और उन्हीं के रिजल्ट्स लेकर हम आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं। तो आज वैसे भारतीय कुछ ज्यादा मैच नहीं नजर आए और साथ ही आज का दिन इंडियन शटलर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ। मेन सिंगल से हम शुरुआत करने वाले हैं, जहां पर हमें किदंबी श्रीकांत कम्पीट करते हुए नजर आए वर्ल्ड नंबर वन और इस टूर्नामेंट के नंबर वन सीड डेनमार्क के प्लेयर विक्टर एक्सेलसन के खिलाफ, जहां पर नतीजा स्ट्रेट सेट्स पर निकलकर आया और श्रीकांत इस मुकाबले को 14-21, 19-21 से हार कर यहीं से ही बाहर हो गए हैं। वहीं बढ़ते हैं अब वुमेन्स डबल्स की तरफ, जहां पर हमें अश्विनी और शिखा की जोड़ी खेलती हुई नजर आई मलेशियन पेयर के खिलाफ। वहां पर भी भारत को हार ही मिली और स्ट्रेट सेट्स में ही मिली। यहां पर इंडियन पेयर 8-21, 11-21 से हार कर उन्हें भी मलेशियन पेयर ने बाहर का रास्ता दिखाया। आखिर में विमेन्स सिंगल्स की हम बात करेंगे, जहां पर दो मुकाबले हमें देखने को मिले। सबसे पहले आकर्षी कश्यप हमें कंपीट करती हुई नजर आई यूएसए की बेवेन जेंग के खिलाफ, जहां पर जो रिजल्ट है वो स्ट्रेट सेट्स में ही निकल कर आया है। और आकर्षी इस मुकाबले को 15-21, 12-21 से वो भी यहां से उन्हें भी भाग रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं दूसरे मुकाबले में नजर आई मालविका भंसू, जिनका मुकाबला था थाईलैंड की प्लेयर बुसानन के खिलाफ, और यहां पर भी एज यूजुअल स्ट्रेट सेट्स में ही इंडियन प्लेयर को हार मिली और वो इस मुकाबले को 17-21, 12-21 से हार गई। यानी कि विमेन्स सिंगल्स में सिर्फ भारत को रिप्रेजेंट करती हुई नजर आएंगी साइना नेहवाल, जिनका कल मुकाबला रहने वाला है प्री क्वार्टर फाइनल्स में। और यानी कि अब राउंड ऑफ 16 में आपको वही खिलाड़ी नजर आएंगे जिनके नतीजे हमने कल बताए थे, क्योंकि कल के दिन ही इंडियन शटलर्स को कुछ मैचेस में जीत मिली थी। तो कल से शुरू होने वाले हैं प्री क्वार्टर फाइनल्स और हम उम्मीद करेंगे कि इंडियन शटलर्स के लिए वो मुकाबले अच्छे साबित हो और जीत हमें वहां पर देखने को मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट जानने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।